मनोहर, सरकार के अंतिम इस विधानसभा सत्र में काफी बिल भी पेश किए गए और सबसे बड़ी खास बात यह रही कि पूरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी दिया गया। इसी पर चर्चा करते हैं हमारे साथ कृष्ण बेदी जी। बेदी साहब, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, आज सदन में विस्तार से चर्चा भी हुई और सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, कैसे देखते हैं रिपोर्ट कार्ड? देखिए, 3 दिन का ये मानसून सत्र था, पूर्ण रूप से मनोहर सरकार का ही कामकाजी सत्र हमने तय किया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय मनोहर जी ने जो तय किया था कि साल में हम 3 सत्र बुलाएंगे, उस परंपरा को निभाने का काम किया। पर ये 5 साल के बाद आखिरी सत्र था हमारा, मानसून सत्र, और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना 5 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, और लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए जिस प्रकार से प्रत्येक बिंदु को बिंदुवार जो हरियाणा की जनता के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, खिलाड़ियों के हित के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के हित के लिए, किसान के हित के लिए, व्यापारी के हित के लिए जो जो हमने 5 साल काम किए थे, उन पर बिंदुवार विपक्ष को हमने जवाब देने का काम किया। और बहुत से जिस प्रकार से पिछले लंबे समय से विपक्ष कई ऐसी भ्रांतियाँ फैला रहा था जिनका कोई औचित्य नहीं था, जिनका कोई मतलब नहीं था, उन भ्रांतियों को दूर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। मैं ये मानसून सत्र के समापन अवसर पर एक जो एक कामकाजी सत्र था, हरियाणा की जनता के हित के लिए सत्र था, आज ये समापन की ओर जा रहा है। मैंने एक अंतिम सवाल, क्या लगता है कि कांग्रेस की अगली बार सदन में कितनी सीटों पर बैठती हुई आपको दिख रही है? देखिए, जिस प्रकार से देश विरोधी इन्होंने काम किया है, 1370 पर भी और 35A पर भी, आज कश्मीर के मुद्दे पर जिस प्रकार से पूरे देश ने कांग्रेस का नंगा नाच देखा है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आई है, तो मुझे नहीं लगता देश में जो स्थिति कांग्रेस की है, जो दुर्दशा कांग्रेस की है, वो हरियाणा में ना हो। और रही बात गिनती की, कोई मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, गिनती बता दूंगा, परंतु बस स्वयं कांग्रेस ही अपने आत्ममंथन कर लेंगे और उनके अंदर झांक लेंगे। मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। तो ये सुना आपने, जाहिर तौर पर कृष्ण बेदी जी ने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, लेकिन सरकार ने अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखकर ये साबित कर दिया कि मनोहर सरकार के मनोहर काम ने कहीं ना कहीं जनता का दिल जीता है। कैमरामैन सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, चंडीगढ़।